अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अतिया और आप देख रहे हैं मेरा कुकिंग चैनल किचन विद अतिया। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी मुख्तलिफ खानों की रेसिपीज मुनफरद अंदाज में, जिसे आप बनाकर जीत लेंगे अपने घर वालों का दिल और अपने मेहमानों का। बस आपने करना ये है कि मेरी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, अपना फीडबैक मुझे देना है और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नाज़रीन, आज मैं बनाने के लिए जा रही हूँ चटपटे आलू की कटलेट। इनसे इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें मैंने 4 to 5 आलू लिए और क्यूब्स में कट करके बॉइल कर दिया। अजवाइन लिए, जीरा साबुत लिए, हरी मिर्चों को बारीक ग्रेट कर लिए, चिली फ्लेक्स लिए, सॉल्ट है, ग्रीन कोरिएंडर है, सूखी मेथी है, चाट मसाला लिए और प्याज लिए और इसको फ्राई करने के लिए बेसन। चले अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए नाज़रीन, आलू हमने मैश कर लिए अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज मैं तकरीबन ऐड करूँगी 1 टीस्पून। आप टेस्ट खाते हैं, आप इससे ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स भी 1/2 टीस्पून ऐड करूँगी, सॉल्ट में 1/2 टीस्पून से भी कम यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा भी इसमें 1/2 टीस्पून जाएगा, सूखी मेथी भी 1/2 टीस्पून, प्याज ऐड करूँगी, ये मैंने प्याज चॉप कर लिए बारीक, मैंने छोटा सा प्याज लिया था, ये मैंने ऐड कर लिए। अब मैं ऐड करूँगी साबुत धनिया। साबुत धनिया में 1 टीस्पून ऐड करूँगी और इसको मैं ज़रा हाथ से इसको क्रश कर लूँगी ताकि दाना साबुत न रहे। इसके साथ मैं ऐड करूँगी ग्रीन कोरिएंडर और सबसे लास्ट में मैं ऐड करूँगी अजवाइन। अजवाइन भी 1/4 टीस्पून जो है वो ऐड। ये देखिए नाज़रीन, अजवाइन मैंने धो लिया अच्छे से क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह होती है, तो मैंने इसको अच्छे से धो लिया और धो के अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। नमक मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहें तो चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुटी हुई मिर्चों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, तो इस वजह से मैंने चिली पाउडर नहीं चिली फ्लेक्स यूज की थी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मैं इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। फ्रिज में रखने से क्या होगा कि इसमें जो भी थोड़ा बहुत भी अगर पानी होगा ना आलू में, तो वो उसको फ्रिज में वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तकरीबन 10 मिनट्स के लिए मैं फ्रिज में रखती हूँ। हमें कटलेट्स बनाने स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखें कटलेट्स बहुत ज़्यादा ना तो पतले होते हैं ना ही बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, एक नॉर्मल एवरेज साइज। ऐसे उसको अच्छे से पहले राउंड देंगे, उसके बाद हल्का सा प्रेस कर देंगे। ये देखिए नाज़रीन, हमारे कटलेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसका मिक्सचर रेडी करूँगी इसको फ्राई करने के लिए। मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून बेसन लिया, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला, इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून से भी कम ज़ीरा, आप ये कह रहे हैं 1/4 टीस्पून के करीब ज़ीरा, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर जाएगा इसमें और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर इसमें पानी ऐड करेंगे।
एकदम से बहुत सारा पानी ऐड नहीं करना, ऐसे लम्स बन जाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना। आप चाहे तो मैदे की भी कर सकते हैं, बेसन की जगह पे आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ना तो आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है। आपने बस इसको इतना रखना है कि ये कटलेट्स के ऊपर ठहर जाए। ये देखिए हमारा ये अच्छा रेडी हो गया बेसन का, ये देख सकते हैं। ना बहुत ज़्यादा ये पतला है, ना ही बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा है। ऑयल हमारा गर्म हो गया अच्छे से। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो ये ऊपर से ब्राउन बहुत जल्दी हो जाएंगे और अंदर से बेसन कच्चा रह जाएगा। नाज़रीन, आलू की कटलेट्स रेडी हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। आप इसके साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें।